राजनगरी आगरा में घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। गुरुवार को सुबह सीजन का पहला कोहरा नजर आया तो वहीं शुक्रवार को भी कोहरा नजर आया है। इससे सड़कों पर दृश्यता शून्य हो गई है। ताजमहल भी कोहरे में छुप गया है। सेंट्रल टैंक से ताज का दीदार नहीं हुआ। हाईवे से लेकर एक्सप्रेस तक वाहनों की रफ्तार थम गई। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार सुबह से कोहरा धुंध छाई रहेगी। दोपहर बाद मौसम साफ होगा। शनिवार से 5 दिनों तक शहर में धुंध का असर साफ दिखाई देगा। दिल्ली NCR सहित पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा शुरू हो गया है। ऐसे में आगरा की सड़कों पर भी कोहरे की धूप दिखाई दे रही है। सुबह 4 बजे से ही कोहरे का सुबह 10 बजे तक असर रहा है। आलम यह था कि कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता शून्य हो गई। हाईवे और एक्सप्रेस पर वाहन रेंग कर चलते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि उन्हें ठंड का भी सामना करना पड़ा और एहसास हुआ। ताजमहल पर भी सैलानियों को परेशानी हुई। सेंट्रल टैंक तक पहुंचने के बाद भी उन्हें ताजमहल का दीदार नहीं हुआ। डायना सीट से वो ताज के साथ फोटो नहीं खींच पाए। वहीं मौसम विभाग की माने तो गुरुवार और शुक्रवार का तापमान में गिरावट हुई है। ताजनगरी आगरा में सर्दी का सितम अब साफ दिखाई दे रहा है। सर्दी के सितम के चलते आपको बता दें कि लोग अलाव का सहारा भी लेने लगे हैं। वहीं ताजमहल भी कोहरे की चादर में खो गया। ताजमहल पर देखने पहुंचे पर्यटक भी मायूस नजर आए, क्योंकि सेंट्रल टैंक के पास से ताजमहल दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं आपको बता दें उत्तर भारत सहित NCR सहित पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम साफ दिखाई दे रहा है। और वहीं यहाँ गुरुवार को घना कोहरा दिखाई दिया था, तो वहीं शुक्रवार को भी आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं कोहरा साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो सर्दी के कपड़ों का भी प्रयोग करें, अन्यथा आप सर्दी के सितम के शिकार हो सकते हैं। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।